एडीजी जोन अखिल कुमार के तत्वावधान में राप्ती नदी के किनारे रामघाट पर पुलिस परिवार के साथ श्रमदान कर साफ सफाई एवं स्वच्छता अभियान के तहत सफाई किया। आपको बता दें कि एक समाचार पत्र में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार राप्ती नदी किनारे रामघाट पर साफ सफाई की गई, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि नदियाँ हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की जीवन रेखा है। यह प्रत्येक दशा में साफ एवं स्वच्छ रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साफ सफाई के प्रति प्रत्येक नागरिक का जागरूक होना ही स्वच्छता का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि साफ सफाई का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और प्रत्येक शनिवार की शाम 5 बजे शहर में किसी एक निर्धारित स्थान पर पुलिस द्वारा श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस सप्ताह अभियान का हिस्सा बने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाए। इस अवसर पर DIG जे रविन्द्र गौड़, SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, ASP राहुल भाटी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, देखिए आज एक खबर छपी थी, जैसे यही खबर ही है, खबर है हम लोग इसमें रखेंगे हैं कि ऐसे सारे यहाँ बाहर कोरोना वाला पॉलिसी है तो बोला अरे पॉलिसी में सिटीजन कनेक्ट है ना, और इसमें क्या है कि आपको ये तो कर सकते हैं है ना फेसबुक में या वो कि इस वीकेंड हम यहाँ कर रहे हैं और हर शनिवार में शाम को जैसे कभी उस तालाब में कभी इस तालाब में पब्लिक जो जहाँ है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये जो क्लास है ना कृष्णा सर, उनको भी सबको वो करते रहे और ये गंदगी उठाइए इसको रहने दीजिए, नेचुरल ये नेचुरल चीज है, ये खड़े हो रहे हैं वो
स्प्रेड करके रखो, एक ही जगह 10-20 खड़े हो और स्प्रेड करके रखो। सर लक्ष्मी जो दुर्गा जी वाला है अस्पताल में ऑलरेडी सिटीजन से, उनसे भी आह्वान कर सकते हैं आप, ठीक है ना, उसी एरिया नए जगह पे 1 किलोमीटर के रेडियस, एक दिन पहले मीडिया में दे सकते हैं कि आज शाम को 5 बजे यहाँ मिलिए। जो सिटीजन आना चाहें वो भी आ सकते हैं, है ना, उसका नगर निगम आ जाए, हम आ जाए, और लोगों को जोड़ के आप भी होगा सर। ये नदियाँ सभी की हैं और ये मत सोचिए कि पुलिस के लिए ये नदी नहीं है, नदी हम आप समाज के हर नागरिक की है और हम लोग सभी का एक कॉमन दायित्व बनता है कि हम अपने नदियां और इसके तट को स्वच्छ रखें। आज सुबह मैं राष्ट्रीय सहारा की खबर पढ़ रहा था, जब ये तट को मैंने देखा और यहाँ पे बिखरी हुई गंदगी को देखा तो मैंने निर्णय लिया कि क्यों नहीं चल के हम अपने पूरे दल के साथ श्रमदान करें और इस तट को स्वच्छ करने का कोशिश करें। मैसेज बड़ा क्लियर है कि हम आपने इस श्रमदान के थ्रू ये जनरल मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब मिल के जो शहर के नागरिक हैं, हम प्रयास करें कि गोरखपुर शहर एक स्वच्छ शहर रहे। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम स्वच्छता पे जोर दें और मैं कोशिश करता हूं कि हम लोग सब मिलकर कोशिश करें कि गोरखपुर भी पूरे देश में नंबर 1 शहर पर है। आज के दिन में इंदौर है, उसको हम पीछे छोड़ें और हम एक सामूहिक प्रयास से एक प्रथम स्थान प्राप्त करें स्वच्छता में, और इसके लिए एक सामूहिक नागरिक कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, एक अभियान की ज़रूरत है कि जब सभी लोग सभी वर्ग जुड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और प्रयास करेंगे तो ये संभव है। उसी ओर ये प्रयास है और हम कोशिश करेंगे समय समय पे, खास करके शनिवार के शाम में अगर कोई बहुत मेजर लॉ एंड ऑर्डर और VIP इश्यूज़ नहीं है तो हम लोग इस कार्यक्रम को नियमित रूप से करते रहें और नागरिकों को भी इस अभियान में आगे जोड़ा जाएगा।